हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही करारी और खस्ता मूंग दाल की नमकीन, जो कि झटपट से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे आप महीनों स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो उससे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक कप मूँग दाल को करीब 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रखी थी। कम से कम आप इसे 2 घंटे ज़रूर भिगोएं। तो मैंने ये 3 से 4 घंटे भिगो कर रखी थी। तो ये एक कप मैंने मेज़र की थी। आप कटोरी से एक कटोरी मेज़र करके ले सकते हैं। तो इसे चलिए अच्छे से साफ़ करके इसका हम इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे इस तरह से, और बिना पानी दिए भी इसे हमें पीस लेना है बिल्कुल बारीक। इस तरह से देखिए पीस लेंगे। ये देखिए बिल्कुल फाइन मैंने पीसी, ज़रा भी दरदरा नहीं है, बिल्कुल बारीक इसे हमें पीस लेना है। तो ये हमारा पेस्ट हो गया है रेडी। अब चलिए इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसे हमें इस तरह से बाउल में निकाल लेना है जिसमें हम इसका आटा तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने निकाल ली है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप मैंने ली है सूजी। सूजी ज़रूर ऐड करिएगा, इससे आपका ये जो नमकीन है बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनेगी। इसे अच्छे से मिक्स करके सिर्फ 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। 10 मिनट के बाद ही फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ देखिए 10 मिनट हो गए इसे रेस्ट होते हुए। अब इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच कूटी हुई काली मिर्च डालेंगे। कूटी हुई कूट कर लेनी है हमें काली मिर्च, पाउडर नहीं लेनी है। और 1 छोटी चम्मच यहाँ पे ये अजवाइन डालेंगे, और फिर इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, ये कलर के लिए है। और 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। नमक ज़्यादा नहीं डालें नमकीन में, क्योंकि नमकीन में नमक थोड़ी कम ही अच्छी लगती है। फिर इसमें 1 बड़ी चम्मच के करीब मैंने घी डाली है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप मैदा। इसमें तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक बार नहीं डालेंगे। आप चाहें तो मैदे की जगह पे आटा भी यूज़ कर सकते हैं, आटे से भी बहुत मज़े की बनेगी। तो मैंने यहाँ मैदा यूज़ की है। तो सारे मैदा इसमें मैंने डाल दी है। फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चम्मच से ये नहीं मिक्स हो पाएगी, तो चलिए इसे हम हाथों से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक हमें सख्त डो तैयार करना है, नरम डो नहीं, सख्त डो तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से अच्छे से मसलते हुए मैंने बिना पानी के इसमें यूज़ किए हुए ये आटा तैयार किया है। इस तरह से इसमें मैंने ज़रा भी पानी यूज़ नहीं किया। अब इसे हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देना है। तब तक यहाँ हम एक स्लरी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 छोटी चम्मच मैंने घी ली है, और 3 वही चम्मच से मैंने कॉर्नफ्लोर ली है। जितनी घी लेंगे उतना ही कॉर्नफ्लोर भी लेंगे, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी स्लरी हो गई तैयार। अब चलिए हम आटा को देखेंगे। तो आटा भी हमारा ये सेट हो चुका है अच्छे से। 10 मिनट के लिए मैंने इसे रेस्ट होने दी थी। तो अब इसकी हम ये इस तरह से पेड़े बनाएंगे। आप चाहें तो एक साथ बड़े पेड़े भी बना सकते हैं, लेकिन ये हमें बस ये नॉर्मल पेड़े बनाने हैं। और रोटी की साइज़ में हमें रोटी के जैसे इसे बेल लेने हैं। चलिए इसे बेल लेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा आटे से डस्ट भी कर लेंगे। तो इस तरह से हमें बेल लेना है, और ये बिल्कुल रोटी जैसे हमें पतली बेलना है, ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है। इस तरह से बेलने के बाद इसके ऊपर देखें, ये इतनी पतली हमें बेलनी है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे जो हमने स्लरी तैयार की थी, लगा देंगे। अच्छे से हाथों से इसे फैलाते हुए चारों साइड बराबर से लगाएं, बराबर से इस तरह से लगाना है। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। डस्ट करने के बाद इस तरह से हमें ये साइड से फोल्ड करना है, दोनों साइड से फोल्ड करेंगे। और जो फोल्ड किए हैं उस पर भी हम स्लरी लगाएंगे, और इसे भी अच्छे से लगाना है, मिला के हाथों से लगाएं ताकि अच्छे से लगे सब तरफ। और इसके ऊपर भी आटे से डस्ट करेंगे। दूसरी साइड इस तरह से हमें फोल्ड करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ बस आपको सेम उस तरह से करते जाना है। फिर इसे हम बेल लेंगे उसी तरह से, सेम पतला बेलना है जितना हमने पहले रोटी की जैसे बेली थी। तो इस तरह से बेलने के बाद फिर इसके ऊपर हम स्लरी लगाएंगे। तो ये डबल प्रोसेस करने से क्या होगा ना कि आपकी जो नमकीन है बहुत परतदार, बहुत ही खस्ता बनेगी। तो इस पे ऊपर भी हम स्लरी लगा के इस तरह से आटे से डस्ट करेंगे, दोनों साइड से फिर से फोल्ड करेंगे। जो फोल्ड किए हैं उसके ऊपर भी हम स्लरी लगाकर फिर से इसे अच्छे से लगा लेंगे, और उसके ऊपर आटे से फिर से डस्ट करेंगे। और फिर इसे इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है, और इसके ऊपर हम अब हल्के हाथों से बेलेंगे। हल्के हाथों से, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें हमने लेयर तैयार की है। तो हल्के हाथों से इस तरह से बेल लेना है। अब चलिए इसे हम कट करेंगे। तो ये मैंने 1/2 इंच के साइज़ में चौड़ाई में इसे कट की है, जैसे नमक पारे होते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से। देखें इस तरह से हमें कट कर लेना है। इसी तरह से मैंने ये सारे हमें तैयार करने हैं, काट करके बेल करके, जैसे चलिए प्लेट में निकाल लेंगे। तो बाकी भी इसी तरह आपको सेम कट करके रेडी कर लेना है। देखिए मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब चलिए इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई में तेल को हल्का मीडियम गरम करें, और मीडियम आंच पे ही इसे हम फ्राई करेंगे। जब तक मैंने तेल गरम होने के लिए पहले रख दी थी, उसके बाद कटिंग करना स्टार्ट की थी। जब तक मैंने कटिंग की, तेल इधर गर्म हो चुकी थी। तो तेल को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रखी थी। तो जब हम इसे फ्राई करेंगे ना, तो मीडियम कर देंगे फ्लेम को। ये मीडियम आंच पे जैसे जैसे फ्राई होगी, वैसे वैसे इसकी परतें ओपन होती जाएगी, खुलती जाएगी। तो इसे उलटते पुलटते हुए हमें इसे फ्राई करना है।
गोल्डन कलर आने तक। तो देखिए यहाँ ये गोल्डन कलर बहुत अच्छे से हो गई है। चलिए अभी इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए कितनी अच्छे से परतें खुली हैं, कितनी अच्छे परतदार बनी है, देख रहे ना, बहुत ही खस्ता और नमकीन बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। फिर इसे हम एक पेपर में निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल पेपर ऑब्जर्व कर ले। देखिए कितना प्यारा कलर आया ना, कितना प्यारा दिख रहा है ये। तो बाकी ये भी नमकीन जो हमें इसी तरह से हमें फ्राई कर लेने हैं, सेम प्रोसेस से, मीडियम आंच पे ही इसे आप फ्राई कीजिएगा। तो देखा ना आपने कितनी आसानी से ये करारी और खस्ता नमकीन घर पे बना सकते हो। चलिए मैं इसे आपको तोड़कर दिखाती हूँ ये कितनी करारी है, क्रिस्पी है। देखिए इसकी आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कितनी ये क्रिस्पी बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे आप महीनों स्टोर करके रख सकते हैं बहुत ईजी से। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और दोस्तों और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसके मज़े उठा सके। हाँ, आप में अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो बिना सब्सक्राइब किए ना जाइएगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।